अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने कहा, मेरे पीआर एजेंट्स ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, तो मैं आना है यूट्यूब पे, तो मैं आ गई। सबसे पहले आपको करना है मुंह वगैरह धोना है, ठीक है। उसके बाद आपको सनब्लॉक लगाना है, सनब्लॉक या कोई भी क्रीम। अगर आप घर में रह रहे हो और आपका शौक नहीं हो रहा कोई सनब्लॉक लगाने का, तो बेशक ना लगाएं। आप मॉइस्चराइजर लगा लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगाएं, मेकअप ऐसे ही नहीं। हाँ, तो मैंने अपना ये सनब्लॉक ले लिया है, SPF 50 है, और ये मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये तो तोबा। एक मिनट निकलेगा ये सबके घरों में ये होता है ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आखिर तक आपको निकालने का शौक होता है। तो ये मैंने लगाया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही जो आखिर का हिस्सा है ना वो मुझे मिला है, क्योंकि ये है रज के थिक जी। तो 5 मिनट तक आप अपने मॉइस्चराइज़र को या सनब्लॉक को स्किन पे बैठने दें, और फिर इसके दौरान जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो हर किसी को करनी होती है, और वो है कि आप अपना स्पंज जो है या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या गिरा, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप वॉश करें। मैं जो हूँ 3 अलग किस्म के बेसेस लगाती हूँ, मिक्स करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि आपके जो बेस है ना उसमें इट शुड बी हैविंग दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हेन यू आर बाइंग योर बेस, ओके। वो है कलर, कंसिस्टेंसी एंड एक और चीज़ थी, कलर, कंसिस्टेंसी एंड कंटेंट्स। ये मैं 3 मिक्स कर रही हूँ, इसमें हुदा है, और ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए ज़रा देख लें, जस्ट ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। सो अच्छा, यूजुअली लोग जो है ना वो कंसीलर पहले लगाते हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आती है बात। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा है मंशा अपने आपको गोरा कर रही है, 5 मिनट के बाद देखिएगा कि ये बिल्कुल भी गोरा नहीं है, क्योंकि ये जो हुदा की बेस है ना ये ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इसका रंग 5-10 मिनट के बाद बदल जाता है, ठीक है। ये इसका कलर अभी मिक्स हो जाएगा मेरे स्किन के साथ, तो आई थिंक ये वैसे हो ही गई है ऑलमोस्ट। टॉर्ट का कंसीलर है, अभी से देखें हाथों पे कैसे निशान आ गए, कुछ किया भी नहीं। अपने हाथों को भी साफ रखना ना, और उसके भी निशान कोशिश करना कि वो सारे, यहाँ मुझे 1-2 मार्क्स हैं तो मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ, नाक पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं है। तो अपने हाथों को साफ रखना दुनिया की बड़ी मुसीबत है मेकअप करते हुए, क्योंकि फिर आपके हाथों पे कोई निशान होता है और आप मुंह को हाथ लगाते हैं और वो मुंह पे भी आ जाता है। तो क्यूट है, मैं ज़रा चेक करें, बताती हूँ और फिर आप देखें भी थोड़ा सा मेरे हाथ पे देखें। हाँ, तो यूजली जब डार्क शेड होता है ना तो मैं जोड़े का, तो मैं फिर भी लाइट ही रखती हूँ अपना मेकअप, ओके। मेरे लिप्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, और बेस भी थोड़ा सा लग गया है, तो मैं ज़रा एक लिप बाम लगा लेती हूँ, ठीक है। तो ये रहा, देखा ये मैं एक लाइट पीच नजर आ रहा है, पीच सा बेस का शेड लगा रही हूँ, और मैं जिंदगी में कभी जो है ना कैमरा में देख के मेकअप नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा आईने में देख के कर रही हूँ। लोगों को उल्टी तरफ लगा रही हूँ, कहाँ है Okay, so we have our peach base, okay? ये है वैसे हुडा का न्यूड पैलेट, इसका मैं ये, अच्छा इसको अगर आप थोड़ा सा हाथ में लेके करें ना तो और ज़्यादा ब्राइट आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रहा है, उफ ऐसी चमक का ये ना। तो ये इसका एक वियर्ड है बात कि आप इसको अगर हाथ में लेके करते हैं तो ये ज़रा और इसकी चमक धमक आती है। अच्छा थोड़ा सा मेरी आंखों के नीचे भी गिर गया है, तो इसलिए लोग पहले आई शेड करते हैं और फिर बेस लगाते हैं। मैंने वो नहीं किया, लेकिन खैर है, इसको मैं ठीक कर दूंगी। तो हम ज़रा ये ब्राउन शेड इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा मुँह में चला गया। थोड़ा सा इंसान हाथ से भी ब्लेंड कर ही सकता है, यू नो। ओके जी, हम आ गए हैं कंट्रोल पे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बट ये डिपेंड करता है कि आपके फेस पे, बेसिकली आपके फेस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कंट्रोल करें। क्योंकि मेरा लंबा हुआ तो मैं साइड पे इतना ज़्यादा नहीं करती, मैं फोरहेड पे करती हूँ। काफ़ी लोग फोरहेड पे नहीं करते, तो इट रियली डिपेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कंटूर वैसे भी नहीं पसंद, तो जस्ट कीप इट लाइट, यू नो, कीप इट लाइट। आईब्राउ की कोई भी चीज़ ले लें। ये ले लें, मेरे पास ये काइली जेनर का है, इट्स इसका नाम क्या है, पूरा मिट गया है, क्या बताऊं, कहाँ से बताऊं, नाम मिट गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी शक्ल ये है। लेकिन इसी का आई थिंक एक दो और भी जगहों से यही मिलता है। ये मुझे किसी ने दिया था, ये काम आ गया है। बहुत सा मेकअप मुझे तोहफे में भी मिलता है। सो या अच्छा, ये अगर थोड़ा सा भी आपको थिक लगे ना तो ब्रश आउट ये मिलते हैं, ये ब्रशेस। ठीक है, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत स्वीट। थोड़ा सा इसको ब्लेंड आउट कर लें। मुझे ये तिल है यहाँ पे जो हमेशा छुप जाता है। ठीक है, ब्लेंडेड लाइनर करते हैं इसी को इस्तेमाल करके। अच्छा, इसको आप कैसे भी लगा लें, बल्कि इसमें इतना कोई प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको वैसे ही ब्लेंड करना है। अच्छा, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इसमें। बस ये कि ऐसा थोप के ना लगाएं कि जब ब्लेंड करें तो पूरी की पूरी आँख ही ब्राउन हो जाए और सारा जो है ना किया था उसका सत्यानाश हो जाए। थोड़ा सा मैं ब्राउन शेड भी लेके ना ऐड करके थोड़ा सा इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक सो। लाइनर से पहले हमेशा मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए था, ये भी गीला है। Here we go. तो हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हमेशा आखिर में ही देखते हैं। नहीं इतना ऊपर क्यों लगा रही हो पागल। वैसे मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ थोड़ा सा, सिर्फ इस जगह को हाईलाइट करने के लिए। लगाऊँ क्या? चलो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है पूरा का पूरा। मेरे पास एक जो हम लगाएंगे, अभी हम एक लाइट पीच फन शेड लगा देंगे और आखिर में देखेंगे कि जा रहा है कि नहीं। मैंने लाइनर नहीं लगाया, लिप लाइनर ऐसे ही, क्योंकि सही है। ऊपर ये टू फेस्ड की मेल्टेड क्रीम, नहीं मेल्टेड लिपस्टिक है जो कि मुझे जाले ने दी है। थैंक यू जाले। लगा देंगे। ओके सो वी आर डन। हम इस पे थोड़ा सा कुछ भी अरके गुलाब, कुछ भी पानी शानी, कुछ भी लगा सकते हैं। और आखिर में अगर मुझे लगा कि मुझे लाइनर लगाना चाहिए तो मैं लगा दूंगी। अगर मुझे लगा कि मुझे लिपस्टिक चेंज करनी चाहिए तो मैं कर दूंगी। और ये जो गीला गीला नज़र आ रहा है ये मैंने ये लगाया। अच्छा सूख जाएगा, फिर सूख जाएगा। बाल अभी बनाने हैं। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड इट। आई हैड फन, बातें भी की और गलतियाँ भी की, तो मज़ा आया। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, कॉमेंट, प्लीज़ बुरी बातें मत लिखिएगा। थैंक यू, बाय।